नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ साक्षी दुबे। हमारे बीच कानपुर के हैरिसगंज रेलवे कॉलोनी से एक खबर आ रही है जहां एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के शरीर पर सैनिटाइजर छिड़क कर उसको फूंक दिया, जिसकी वजह से बच्चे की जान जाते जाते बची। अभी भी वो बच्चा पूरी तरह से झुलस गया है और अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल कानपुर के हैरिसगंज रेलवे कॉलोनी में रहने वाले फिरोज खान ने बताया कि उनके चाचा बुधवार को सुबह अपने घर का ताला लगाकर गांव चले गए थे और इसी बीच फारूक नाम का, जिसका नाम मॉडल भी बताया जा रहा है, फारूक नाम का एक व्यक्ति आता है, घर का ताला तोड़कर उनके घर पर चोरी कर लेता है। उसके बाद जब फिरोज खान के चाचा वापस आए तो ये चोरी की वारदात उन्होंने अपने भतीजे यानी कि फिरोज खान को बताई। फिरोज खान ने पुलिस में जाकर कंप्लेंट की, FIR दर्ज किया, जिसकी बिना पर पुलिस ने फारूक को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन फारूक का एक भतीजा जिसका नाम अरशद बताया जा रहा है, उसने बुधवार की शाम फिरोज खान के बेटे को वही रेलवे कॉलोनी के मैदान में खेलने के लिए बुलाया। जब वो बेटा जिसका नाम फिरोज खान का, वो बेटा जिसका नाम रेहान बताया जा रहा है, जब वो वहां खेलने के लिए आया तो अरशद ने उसके मुंह पर सैनिटाइजर छिड़क दिया और फूंक दिया, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से झुलस गया। जिसके बाद उसे आनन फानन में पास ही के एक अस्पताल में भेजा गया, जहां बाद में उसे बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इस मामले में एक ट्विस्ट ये भी है कि जब पुलिस को इस बात की सूचना दी गई, इस बात की जानकारी दी गई, तो उन्होंने मामले को दबा दिया। जी हाँ, बाद में जब ये मामला बुरी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, तब जाकर पुलिस ने इस मामले में FIR लिखी और अरशद को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं फिरोज खान के परिवार ने अरशद पर यानी कि फारूक के भतीजे पर, जिसने सैनिटाइजर डालकर मारने की कोशिश की, उस पर IPC की धारा 324 के तहत FIR दर्ज की और पुलिस ने उसे फिलहाल हिरासत में ले लिया। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बच्चों को ये पता लग पाए कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल अगर गलत तरीके से किया जाए तो किसी की भी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं।